टू हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे पेपर फ्लावर। ये देखिए, हमारा पेपर फ्लावर कुछ ऐसा दिखता है। ये एक प्रोजेक्ट है और ये बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, ये आप किसी गिफ्ट भी दे सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करना है। इसके हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड पे ऐसे लीफ जैसे बना लिया, एक थिक कार्डबोर्ड पे एकदम ऐसे। और अब हम लोग फ्लावर्स बनाए। एक कैसे बनाए इसका फ्लावर कहेंगे। ठीक है, तो बना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे एक पिंक कलर की शीट ले लेंगे। और हमने इस पिंक कलर की शीट का सबसे बड़ा फ्लावर बनाएंगे जो मेन है। और बड़ा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। ये कैसे बनाए मैं आपको बता दूँ। इसको हम लोग अब कट कर लेंगे। अब हम लोग इसका फ्लावर बना लेंगे। मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ। देखिए ऐसे, इतना ही अब हम लोग कट कर लेंगे। ये देखिए, फ्लावर रेडी है। अब हम लोग इसको यहाँ से एक, देखिए ऐसे फ्लावर कैसे भी फ्लावर चलेगा, बस बड़ा होना चाहिए। इसको ऐसे कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम इसे कट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे फेविकॉल लेंगे और इसको ऐसे चिपका लेंगे। ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग को फ्लावर मिल गया। वैसे ही हम लोग ने एक ग्रीन कलर की शीट ली है, फ्लोरेसेंट ग्रीन। और ये शीट है 11.95 की शीट सेंटीमीटर में। उसको हमने ऐसे फ्लावर बना लिया उसका। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे इसका भी ऐसे एक लीफ कट कर लेंगे और फेविकॉल से ऐसे चिपका लेंगे। ऐसे ही हम लोग ऑरेंज कलर का एक शीट लेंगे, उसका भी ऐसे ही फ्लावर बना लेंगे। और ऐसे हम लोग, ये है मरून कलर, मरून कलर का भी ऐसे ही बना लो। ऐसे हम लोग बनाते जाए, फिर फ्लावर को खोल के कट कर दिया। लीफ बनाए हम लोग, ये 3D लीफ जो है। इस फ्लावर को हम लोग ऐसे कट नहीं करेंगे जो सबसे अंदर का होगा। और पर्पल कलर को भी हम लोग कर लेंगे ऐसे। ऐसे हम लोग इसको चिपका लेंगे। ऐसे और बाकी के फ्लावर को भी ऐसे कट करेंगे।
है ऐसे। बस ये फ्लावर रह गया है कट करके ऐसे बनाने के लिए। ऐसे ये देखिए, तो हमारे सारे ऐसे फ्लावर रेडी हो गए। अब हम इसको एक के ऊपर एक ऐसे झुकाए, जैसे पिंक कलर का फ्लावर है। अब हम इसके ऊपर ऐसे इतना सारा अच्छे से भर के ग्लू डालेंगे और फिर इसको ऐसे चिपका लेंगे। ऐसे अब हम लोग ऑरेंज कलर का फ्लावर भी लगा लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे रेड कलर का फ्लावर भी लगा लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ये पर्पल कलर का फ्लावर लगा लेंगे। ऐसे हमने इसके इधर ऐसे प्रेस करेंगे। ऐसे हम लोग का एक सब तो रेडी हो गया है। अब हम लोग ये 3D लीफ बनाए, इसके हमने एक स्क्वायर शीट लिया, इसको ऐसे स्क्वायर कर लेंगे, बीच से कट कर लेंगे। 3D शेप का बहुत ही इजी तरीका है बनाने का, 3D शेप बहुत ही इजी तरीका है। इसका हम लोग ऐसे फैन बना लेंगे। पास पास कर लेंगे। ऐसे अब ये दोनों हो गए ऐसे। इधर जो आपको फ्लैट दिख रहा है ऐसे हम लोग अभी यहाँ पे फेविकॉल लगा लेंगे। अब ये पूरा हाफ कर ले इसको। ऐसे 3D लीफ हमारी तैयार। ऐसे ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसका फ्लावर ऐसे कैसे बनाएं बताते हैं। इसको हम लोग ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ऐसे इसको ऐसे लगा रही। हम लोग दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है, ईजी तरीका ये, वो हार्ड तरीका था। ऐसे चिपका लेंगे, चिपकाने के लिए टाइम दीजिएगा और फिर निकालिए। और अब हम लोग यहाँ पे साइड में लीफ बना लेंगे, ऐसे लीफ चिपका लेंगे। ऐसे लीफ चिपका लेंगे हम लोग। ओ कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अब देखिए चिपक गया है यहाँ पे। अब हम लोग इसको लगाएंगे यहाँ पे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे और पैर को लगाए जिससे निकलेगा। ऐसे अब हम लोग इसको चिपका लेंगे। अब नीचे का हम लोग को ऐसे बस चिपकाना है। बहुत सारे स्मूथ ग्लू लगेगा और ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग लगा लेंगे। इधर साइड साइड में हम लोग पेपर लगा लेंगे जिससे इजीली ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है, तो हमारा ब्यूटीफुल फ्लावर अब बस रेडी हो ही गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्यूटीफुल फ्लावर रेडी हो गया है, बिल्कुल इसकी तरह ही दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही।
बाय। पर मेरे वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। बाय।